ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जो स्पेस और साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं और उसके साथ साथ जो मूवीज वगैरह भी देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी मूवीज बताऊंगा जो सभी स्पेस और साइंस लवर को जरूर देखनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें, क्योंकि आपको इन स्पेस मूवीज की सभी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएगी और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने खुद इस मूवी को 15 से ज्यादा बार देख लिया है। लाइक लिटरली जब भी मुझे कोई स्पेस मूवी देखनी होती है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सी मूवी देखूं और कौन सी नहीं, देन उस समय आई प्ले दिस मूवी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.6 है और अगर सच कहूं तो 2014 में बनी ये मूवी इंटरस्टेलर, इस मूवी से बेहतर कोई और स्पेस मूवी है ही नहीं। इस मूवी की स्टोरी लाइन से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक तक हर चीज बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। अब अगर आप इस मूवी को ध्यान से नहीं देखते हो तो आपको सच में कुछ समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये मूवी एक फुल साइंस मूवी है। बेसिकली ये मूवी ब्लैक होल और स्पेस ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर बनी है, पर मेरा विश्वास करो इस मूवी में उससे भी ज्यादा है। सो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो इस मूवी को जरूर देखो। नंबर 2, मार्शियन। अगर स्पेस सिविलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले जो प्लैनेट हमारे मन में आता है वो है मार्स, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर हल्का हल्का अर्थ के जैसा ही है, इसलिए मार्स को सबसे पहला चॉइस माना जाता है स्पेस सिविलाइजेशन के लिए। और उसी कॉन्सेप्ट पर बनी है ये मूवी द मार्शियन। इस मूवी में ये बताया गया है कि क्या होगा अगर हम ह्यूमंस मार्स पर गए। जैसे कि हम सभी को पता है कि मार्स का टेम्परेचर उतना भी ठीक नहीं है, इनफैक्ट मार्स का टेम्परेचर बहुत ही डेंजरस है, पर फिर भी अगर एक ह्यूमन कभी भी मार्स पर गया तो उसको वहां पर क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, उसी चीज को बताती है ये मूवी द मार्शियन। बेसिकली ये मूवी बहुत ही अच्छी है। सो अगर आप कंफ्यूज हो कि ये मूवी देखे या नहीं देखे तो मेरी मानो और इस मूवी को जरूर देखो। नंबर 3, पैसेंजर्स। इस मूवी का मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट एक आइडिया के लिए आप ये समझ लो कि इस मूवी में आपको बहुत मजा आने वाला है। बेसिकली इस मूवी में कुछ पैसेंजर्स को एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर ले जाया जा रहा है। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि स्पेस में प्लैनेट टू प्लैनेट ट्रेवल करने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि हम लाइट ईयर्स में ट्रेवल करते हैं। एक आइडिया के लिए ये समझ लो कि अगर हमको प्लैनेट ए से प्लैनेट बी जाना है तो हमको लगभग 120 साल लगते हैं। अब इतने साल तक तो कोई पैसेंजर जिंदा नहीं रहेगा, सो उस केस में हाइबरनेशन पॉड इंट्रोड्यूस करा जाता है, जहां पर पैसेंजर्स को डीप स्लीप में डाल दिया जाता है और वो हाइबरनेशन पॉड उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद खुलता है, यानी हमारे केस में 120 साल के बाद। और वो पॉड खुलने के बाद वो सभी पैसेंजर्स सेम एज के रहते हैं जो वो 120 साल पहले थे। इस मूवी में यही दिखाया गया है, बट ट्विस्ट ये है कि उनमें से कुछ पैसेंजर्स का हाइबरनेशन पॉड खराब हो जाता है और वो लोग उठ जाते हैं। अब उस केस में क्या होगा, वो पैसेंजर्स क्या करेंगे? सो ये मूवी सच में एक बहुत ही प्यारी मूवी है और एक इंटरेस्टिंग मूवी है जो हम सभी को जरूर देखनी चाहिए। नंबर 4, ग्रेविटी। अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में एक हिंट दूं तो वो हिंट होगा स्पेस। लिटरली इस मूवी में बहुत ही कम बोला गया है, क्योंकि इस मूवी में यह दिखाया गया है कि स्पेस असलियत में कैसा होता है। आप लोगों को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए अगर आपको जानना है कि असलियत में स्पेस में क्या होता है। नंबर 5, अराइवल। ये मूवी हमें एक लेसन सिखाती है कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। हम हमेशा इस चीज के बारे में बात करते हैं कि क्या होगा अगर एलियंस यहाँ पर आ गए, वो एलियंस हमारे साथ क्या करेंगे, बट बहुत ही कम बार हम ये सोचते हैं कि अगर एलियंस यहाँ पर आ गए तो हम उनसे बात कैसे करेंगे, और ये मूवी हमें वही बताती है। तो मेरे ख्याल से ये मूवी एक वेल डिजर्विंग साइंस मूवी है जो हम सभी को जरूर देखनी चाहिए। आप लोगों ने इनमें से कौन सी मूवी पहले से देखी है और कौन सी मूवी देखने वाले हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मेरी पूछो तो मैं इस वीडियो को एडिट करने के बाद इंटरस्टेलर और पैसेंजर देखने वाला हूँ, क्योंकि यार वो दोनों मूवी सच में बहुत ही मजेदार है। इस चैनल पर इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार साइंस और स्पेस से रिलेटेड वीडियोस हमेशा आती रहती है। सो अगर आपको ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक लिए दिस वॉज सूर्यश फ्रॉम माइडिया क्रिएशंस साइनिंग ऑफ। चीयर्स।